तो एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल यात्रा गाइड योगेश शर्मा में। तो आज हमारी यात्रा है सप्तशृंगी महाराष्ट्र की, चलते हैं दोस्तों। तो मित्रों, व्यारा आ गए हैं और व्यारा से हमारी टीम रेडी हो गई है सापुतारा के लिए। विकास भाई हमारे हॉस्टल के मित्र रावत बाटा वाले DJ 98, बाकी भाइयों से भी परिचय कराता हूँ मैं आपका आगे। तो आज हम 10-11 जने हो गए हैं, निकले हैं सापुतारा घूमने के लिए एक गाड़ी। क्या बात है। तो यात्रा की शुरुआत कर दी है, विकास भाई एकदम सीरियस होकर बैठे हुए हैं। क्या हो गया विकास भाई? विकास भाई को नींद आ रही है, रात को मैच खेल के आए हैं। ये टूर्नामेंट आज IPL का कौन जीता? विकास भाई जीत गए हैं 12 विकेट से। तो चलते हैं आगे मित्रों, बने रहिए वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ। तो चलते हैं आगे, मिलाते हैं आपको एक और हमारे खास मित्र से। तो दोलारा चौकड़ी पे आ गए हैं मिस्टर तेजू भाई के यहाँ पे। तेजू गुजर भी तैयार, निकलते हैं अभी। आगे कहाँ जाएंगे? इधर सबरीधाम वाले रास्ते पे जा रहे हैं, माया देवी सबरीधाम होके। तो चलते हैं दोस्तों आगे, टीम रेडी है हमारी। गुजरों के छोरे गुजर के राजस्थान सब टिप्पणी हम मिलते ना। तो अभी आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, दोनों गाड़ी में पेट्रोल डीजल फुल करा लेते हैं। व्यारा से सापुतारा होकर सप्तशृंगी की तरफ जाएंगे हम लोग। सापुतारा 120 किलोमीटर है, वहाँ से 40 किलोमीटर सप्तशृंगी है। खूबसूरत नज़ारा होने वाला है मित्रों, बने रहिए वीडियो में। तो ये पदम डूंगरी के पास में एक फ़ोटो लेने की अच्छी जगह है, यहाँ पे हम जा रहे हैं, फ़ोटोग्राफी की जाएगी थोड़ी सी दोस्तों। तो इंजॉय कीजिए आप भी नज़ारों को, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। मौसम भी एकदम सुहावना हो रहा है, धूप ज़्यादा नहीं है अभी। तो आज हमारे साथ में कुछ नए मित्र भी आए हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में। हेमराज जी हैं, हेमराज गुजर भाई साहब हैं, ये हमारे बेंगलोर वाली टीम है, हमारे नए मित्र हैं। ये सब बेंगलोर में अपना काम करते हैं, शॉप्स पे हैं सारे। मस्त लड़के, एकदम मस्त इंजॉय किया हमने पूल डे। तो बने रहिए वीडियो में मित्रों, देखते रहिए आगे, चलते हैं वापस सापुतारा की तरफ। ट्रिप शुरू हो चुकी है और यहाँ पर फुल एंजॉय चलता हुआ। तो चलने दो, योगेश भैया तो आज हम जो निकले हैं घूमने, ये आहवा डांग क्षेत्र में आता है, गुजरात के दक्षिण गुजरात क्षेत्र है ये। बहुत ही सुहावने जंगल है यहाँ पे, बहुत ही मस्त मस्त सीन है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सामने। बरसात के मौसम में यहाँ पे छोटे छोटे झरने प्रकृति की सुंदरता और भी बढ़ा देते हैं। तो आप आ सकते हैं फैमिली के साथ में, फुल डे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही शानदार जगह है।
मिलते हैं आप सापुतारा की पहाड़ियाँ, काफी रोमांचक दृश्य देख सकते हैं आप सापुतारा का रास्ता। योगेश भैया, विकास भाई, हेमराज भाई, बढ़ते हैं आगे सापुतारा की तरफ। बहुत ही शानदार रोड, मस्त घाट सेक्शन, सारे मित्र एंजॉय करते हुए। तो दोस्तों फिलहाल रुके हैं खाने के लिए, चतुर्भुज हलवाई खाना लाए हैं, पेपर कट दे जो खाना खा रहे हैं। पेपर कौन है? पेपर ले रहे। तो मित्रों हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, हमारी टोली में जय हो जय हो। पराठे मिल गए हैं खाने के लिए और अचार है, बहुत शानदार मजा आ गया है। वीडियो मेंबर सब देखना चाहोगे, जंगल के बीच में बैठे हैं सब मेंबर। एक बार जोर से बोले देव देने दरबार की जय हो। तो तेजू भाई यहाँ पे अचार परोसते हुए सब दोस्तों को, अचार आम का अचार लेके आए थे, इन्हीं के घर से लेके आए हैं, सबको दे दीजिए अचार। और ले लो, और हल्का फुल्का नाश्ता कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सापुतारा की तरफ। बीच में जंगल में बैठ के भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। कंचन घाट और बहुत ही शानदार घाट है, गाड़ी एकदम टॉप पे आ गई है। कंचन घाट और 1 किलोमीटर आगे है, कंचन घाट वाले रास्ते पे है। यहाँ से कहाँ सापुतारा जाएंगे? नहीं, अभी डायरेक्ट सीधा हुआ वाणी माता, सीधा सप्त सुरंगी निकलेंगे। बहुत ही डेंजर रास्ता है, वीडियो आप देख ही पा रहे होंगे। हाय हेलो दोस्तों, चलो चलते हैं। नीचे खाई है, इधर दिखाता हूँ आपको सीन। तो ये ऐसा सीन है नीचे पूरा कंचन घाट का, देख सकते हैं आप, बहुत ही डेंजर सी खाई। और इधर हमारी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हमने। सापुतारा कैसे रह गया? सापुतारा किधर है? उधर सापुतारा, उधर पीछे रह गया है काफी दूर। शाम को दिखाया जाएगा सापुतारा आपको, अभी एंजॉय कीजिए इन वादियों को। देख सकते हैं आप ऊपर पहाड़ियाँ। तो सामने जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सापुतारा और सप्तशृंगी के बीच का रास्ता है। महाराष्ट्र में हम प्रवेश कर चुके हैं, गुजरात राज्य की सीमा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और आगे छोटे छोटे खेत पहाड़ियों पे भी कहीं देखने को मिल जाते हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं। सप्तशृंगी की दूरी अभी भी 40 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, तो बढ़ रहे हैं सप्तशृंगी की तरफ। तब तक रोड के नज़ारों को सुहावने सुहावने खेतों को आप आनंद कीजिए और बने रहिए वीडियो में दोस्तों। सप्तशृंगी पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में, एक एक चाय पी जा रही है यहाँ पे अभी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सप्तशृंगी गढ़ आ रहा है,
तो मित्रों यहाँ से सप्तशृंगी वाला घाट शुरू होने वाला है। घाट सेक्शन पर हम आ गए हैं। 10 किलोमीटर लंबा जो रोड है ये पूरा घाट सेक्शन में है। वाहन बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में चलाया जाए। यहाँ पे घाट पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड में उतरती है, तो कृपया ध्यान रखें स्पीड का और अपनी गाड़ी पे पूरा कंट्रोल रखें। इंजॉय कीजिए घाट सेक्शन को। आप बढ़ रहे हैं हम आगे सप्तशृंगी की तरफ। बहुत ही शानदार नज़ारे होने वाले हैं।